लालू जी यही बतवा बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था राजद के लोगों को। तेजस्वी यादव लालू नीतीश कुमार पे बोलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। आज राजद वाले के मुंह में बोली नहीं है, अरे राजद घूट का खून का घूट पीने के लिए बैठा है क्या? लालू बाप बाप बेटा ही पार्टी है। 17 साल तक से जो मुख्यमंत्री हो वो कह रहे हैं समाधान यात्रा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बेतिया आपको प्लेन से जाना पड़ा, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा, क्यों नहीं गए रोड से? 4 लेन सड़क बनाना है पटना से बेतिया, मुख्यमंत्री जी जमीन तो दे दीजिए। आप जिस तरह प्लेन से गए उसी तरह बिहारी वहां प्लेन से उतरे, ये कल्पना कीजिए। अपनी चिंता खाली इनको है कि हम जेट प्लेन पे चढ़े और जेट प्लेन से पूरा देश घूमे। अरे देश कहाँ, तो नेपाल घूम लीजिए, पाकिस्तान घूम लीजिए, जेट प्लेन से वहां जाइए, तब आप प्रधानमंत्री का सपना देखिए। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से अपने समाधान यात्रा पे हैं, जिसको लेकर विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है। इसी बीच विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना है, पहले आप सुने। सुनने की बात कि 17 साल के बाद यात्रा, अरे भाई 17 साल, अगले 18 साल होगा और अब बालिग हो जाएगा आपका सत्ता। 17 साल तक से जो मुख्यमंत्री हो वो कह रहे हैं समाधान यात्रा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार के? पूरा बिहार पानी के लिए त्रस्त है। देश के प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ रुपया देना चाहते थे बिहार को, नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया अपने ईगो में। और जबकि जो 35,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ उसमें 25,000 करोड़ तो भारत सरकार ने ही दिया। पता नहीं ये किस मैकेनिज्म के मुख्यमंत्री बने हैं, ये अपने आप में कह रहे हैं कि समाधान यात्रा के बाद देश की यात्रा करेंगे। अरे बिहार पहले ठीक कर दीजिए मुख्यमंत्री जी, बिहार में सड़क बनाने के लिए बेतिया आपको प्लेन से जाना पड़ा, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा, क्यों नहीं गए रोड से? 4 लेन सड़क बनाना है पटना से बेतिया, मुख्यमंत्री जी जमीन तो दे दीजिए। रक्सौल लोग उतरे, आप जिस तरह प्लेन से गए उसी तरह बिहारी वहां प्लेन से उतरे, ये कल्पना कीजिए। अपनी चिंता खाली इनको है कि हम जेट प्लेन पे चढ़े और जेट प्लेन से पूरा देश घूमे। अरे देश कहाँ, आप तो नेपाल घूम लीजिए, पाकिस्तान घूम लीजिए, जेट प्लेन से वहां जाइए, तब आप प्रधानमंत्री का सपना देखिए। एक सवाल है, आप भी देख रहे होंगे इन दिनों बिहार के पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं, कई ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। देखिए व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता हूं, लेकिन राजनीतिक तौर पर सच्चाई सुधाकर सिंह हो या राष्ट्रीय जनता दल के और लोगों ने बड़ा स्पष्ट तौर पर, लालू जी यही बतवा बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था राजद के लोगों को, तेजस्वी यादव लालू नीतीश कुमार पे बोलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। आज राजद वाले के मुंह में बोली नहीं है, अरे राजद घूट का खून का घूट पीने के लिए बैठा है क्या? लालू बाप बाप बेटा ही पार्टी है, इसका मतलब स्पष्ट है ना, राजतंत्र है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है। बाप बेटा बोले तो सही, दूसरा बोलोगे तो गलत है। एक आखिरी सवाल, महागठबंधन के नेता तो कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह बीजेपी के एजेंट हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव जीत कर आए, तो इन लोगों को हिम्मत है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई? तेजस्वी यादव ने यही बयान दिया था तो इन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तेजस्वी, मैं तो बार बार कहता हूं कि लालू और तेजस्वी यदि नीतीश के खिलाफ बोलते थे तो बड़ा अच्छा था, आज खराब हो गया। बयान खोल के देख लिए लालू जी ने क्या क्या नहीं कहा। तो लालू जी और नीतीश, बाप बेटा बोले तो सही, दूसरा बोले तो गलत।
आपने विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को सुना, जो लगातार सरकार पे हमलावर है। उनका कहना है कि समाधान यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। उनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री जी पहले बिहार को ठीक कर लीजिए, आज आपको बेतिया जाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी। वहीं उनका कहना था कि बिहार के सड़कों को ठीक करिए। आपको बता दें कि जब उनसे सवाल किया गया सुधाकर सिंह वाले बयान पे, तब उनका कहना था कि पहले राजद वाले मुख्यमंत्री पे बयान करते थे तो कोई बात नहीं, अब कर रहे हैं तो परेशानी हो रही है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।